हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम्योपैथिक दवा के विषय में, जिसका नाम फास्फोरस है, जो कि एक होम्योपैथिक दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। होम्योपैथिक इंसाइक्लोपीडिया में इसका 500 लक्षण है, लेकिन सब लक्षण बताना मुश्किल है, लेकिन जो जो लक्षण जो है जरूरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता रहा हूँ कि फास्फोरस का पेशेंट कैसा होता है। दोस्तों, फास्फोरस का पेशेंट लंबा होता है, जब सिकिया पहलवान की तरह होता है, और जो है बहुत ही चालू होता है, बहुत ही सुंदर होता है, और जो है बहुत जल्दी जो है ग्रो करता है, और जो है थोड़ा जो झुक के चलता है। जो है फास्फोरस पेशेंट का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला सिम्टम है, और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, किडनी पर जो है किडनी खराब हो गई है, किडनी में सूजन आ गया है। पेशाब का टेस्ट कराएंगे तो उसमें एल्ब्यूमिन आ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर है। तो आप जो है ऐसे पेशेंट को फास्फोरस 30 चार बूंद करके दिन में 2-3 बार करके दे दीजिए, उसका जो है किडनी ठीक हो जाएगा, यूरिन से जो प्रोटीन निकलता है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि जब आप शौच करने जाते हैं तो आपका रेक्टम जो है बाहर निकल आता है, इसके साथ ही साथ पस निकलता है और उसमें सूजन रहती है। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो आप फास्फोरस जो है 201 डोज दे लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है डायरिया पर। आप जो है शौच करने जाते हैं तो आपका जो है स्टूल एक ही बार में जो निकल जाएगा, जो है कल की तरह, जैसे कल खोल देंगे पानी निकलेगा लगातार, तो एक ही बार में एकदम पानी की तरह स्टूल आपका एक ही बार में निकल जाएगा। तो ऐसा सिम्टम है तो आप फास्फोरस 201 डोज दे लीजिए, आपका जो है ये डायरिया का सिम्टम तुरंत ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है पैरालिसिस पर। अगर जो है किसी कारण से पैरालिसिस हो गया है और आपका जो है हाथ जो है एकदम सूनापन हो गया है, आप जो है फास्फोरस 200 सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, तो आपका जो है ए हाथ का जो है आर्म्स का पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है नेक्रोसिस पर। नेक्रोसिस माने कि वो पार्ट जो है खत्म हो गया, वो पार्ट सड़ गया। अगर आपको जो है नेक्रोसिस लोअर जॉ में हो गया है और ट्रिबिया में हो गया है, माने जो घुटने के नीचे जो हड्डी होती है उसको ट्रिबिया बोलते हैं, अगर नेक्रोसिस लोअर जॉ में हो गया है और ट्रिबिया में हो गया है, तो आप फास्फोरस 200 सुबह शाम करके कुछ दिन दे लीजिए, आपका जो है नेक्रोसिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है फिर एक्सट्रीमिटी पर। अगर आपका एल्बो जॉइंट कमज़ोर हो गया है, आप कोई चीज़ उठा नहीं पाते हैं हाथ से, कोई चीज़ हाथ उठाएंगे तो हाथ उठेगा नहीं, अगर ऐसा सिम्टम है फास्फोरस 200 सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, तो आपका जो हाथ उठने लगेगा। दोस्तों, अगला सिम्टम है शोल्डर जॉइंट पर। अगर आपको शोल्डर जॉइंट में दर्द हो रहा है तो आप फास्फोरस 200 चार बूंद सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, आपका शोल्डर पेन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है हेड पर जो है। अगर जो है आपका जो है बाल गिरता है, गुच्छा में बाल गिरता है, स्कल्प जो बहुत सेंसिटिव है और इसमें बहुत डैंड्रफ हो गया है, तो अगर ऐसा सिम्टम आपको मेरे बाल पर, तो आप फास्फोरस 200 चार बूंद करके ले लीजिए। इसको सुबह शाम लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप जो है एक डोज 3-4 दिन लगातार ले लीजिए, एक बार खाली, तो आपका जो हेयर फॉलिंग ठीक हो जाएगा और जो है स्कल्प में जो दर्द हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा और डैंड्रफ भी ठीक हो जाएगा। इसका जो है डैंड्रफ का जो सिम्टम है वो आपका डैंड्रफ दिखाई नहीं पड़ेगा, वो बाल के अंदर चिपका रहेगा, आपको खजूरी होती है अब बाल गिरता है, तो ऐसे सिम्टम में आप जो है फास्फोरस 200 ले लीजिए, चार बूंद करके जो है आप अपने सेवेटी के अनुसार लीजिए, दिन में एक बार लीजिए सुबह सुबह खाली पेट, अगला दिन फिर एक बार ले लीजिए, भाई इसको ज़्यादा डोज देने की जरूरत नहीं है, तो आपका जो है हेयर फॉलिंग ठीक हो जाएगा। अगला सिम्टम है मेंटल सिम्टम, जो बहुत ही यूनिक है। इसका पेशेंट जो है भीड़ भाड़ में, समाज में अपना जो है इंटरनल पार्ट जो है खोल के दिखाने लगता है, तो आप समझते हैं कि ये आदमी पागल हो गया है, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा मेंटल सिम्टम है। तो ऐसा सिम्टम अगर मिलता है तो आप फास्फोरस 200 दे दीजिए चार बूंद, इस पेशेंट का जो है सिम्टम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है चक्कर आना, फटाएगा चक्कर आना। अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं और चक्कर आ रहा है और फिर ऊपर देख रहे हैं चक्कर ठीक हो गया है, तो आप फास्फोरस 200 ले लीजिए, सुबह शाम कर 2-3 दिन दे लीजिए, इसको ज़्यादा दिन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका ठीक हो जाएगा तो बंद कर दीजिए। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है अगर आपकी आँख के चारों तरफ ब्लू रिंग है, तो आप जो है फास्फोरस 200 चार बूंद ले लीजिए, 3-4 दिन लगातार ले लीजिए, उसको आप बंद कर दीजिए, तो आपकी आँख के चारों तरफ जो सर्कल है ब्लू सर्कल, वो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है फिर मेंटल सिम्टम पर जो है। इसका मरीज जो है दया चाहता है, दया कि हमारे ऊपर कोई दया करे। इसका पेशेंट क्या है, सिंपैथी चाहता है हमेशा। अगर ऐसा कोई पेशेंट रहे तो आप जो है फास्फोरस 200 सप्ताह में खाली एक बार दे दीजिए, अगर जरूरत पड़े पर तो दूसरा सप्ताह में एक बार दे दीजिए, ये सिम्टम ठीक हो जाएगा।
दोस्तों उसका अगला सिम्टम है दांत पर। अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हैं, कोई दांत निकाले हैं और दांत निकालने के बाद में दर्द हो रहा है, खून बंद नहीं हो रहा है, खून निकल रहा है, तो आपको फास्फोरस 200 की जरूरत है। आप फास्फोरस 200 ले लीजिए, 200 एक डोज दे लीजिए, 4 बूंद। अगर जरूरत पड़े पर दूसरा डोज दे लीजिए, तो आपका जो दांत निकालने के बाद जो दर्द होता है वो दर्द ठीक हो जाएगा और खून जो है ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों जो है मैंने आपको कुछ सिम्टम फास्फोरस के बताए। फास्फोरस का सिम्टम हनीमन साहब ने 5000 निकाला है इनक्लाइपीडिया किताब में, लेकिन मैंने कुछ सिम्टम आपको बताया है। मैंने आपको वही सिम्टम बताया है जो आपको डेली यूज में आता है, लेकिन पूरा सिम्टम नहीं बता सका समय की कमी के कारण। इसका अगला पार्ट में आपको जल्दी ही बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट हो या कोई प्रॉपर कंसल्टेशन करना चाहें तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं आपको जवाब तुरंत दूंगा। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है वर्ड ऑफ होम्योपैथी, इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। नमस्कार। अगला वीडियो में आपको फास्फोरस दूसरा पार्ट डिटेल में बताऊँगा।